डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लेनेटा का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रमुख रूप से चार भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पेयर ओवेरियोल्स, वेजाइना, जेनाइटल पाउस, कोलेट्रल ग्लैंड या स्पर्मेथिका और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये सब मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है, और ये पेरिप्लेनेटा का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डोर्सल व्यू है, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें ऊपर की तरफ जो येलो कलर के एक जोड़ी अंडाशय इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये जो इसका एब्डोमिनल रीजन है उसमें चौथे से छठे सेगमेंट या सातवें सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये इसके एक जोड़ी अंडाशय हैं। इसमें दो पार्ट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो सस्पेंशन वाला पार्ट कहलाता है, और नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें जर्मेरियम वाला पार्ट है, और पीछे की तरफ इसमें विटेलाइन वाला पार्ट है। तो जो जर्मेरियम वाला पार्ट है उसमें जो अंडे हैं वो विकसित होते हैं, ओगोनिया उसके अंदर पाए जाते हैं, ओजोनेसिस की क्रिया इसके अंदर होती है, और जो पीछे फूला हुआ विटेलेरियम वाला जो पार्ट होता है वो पीछे फूला हुआ पार्ट है जिसमें पीतक की मात्रा पाई जाती है या उसमें ग्रोथ जो अंडे की होती है वो इसके कारण होती। आप इसमें अंडाशय जो ओवरी देख रहे हैं ये इसमें दिखाई दे रही है आपको, तो ये जो इसकी हीमोसील है या सिलोम जिसको आप कहते हैं वो उसके अंदर ये लटके हुए रहते हैं। अंडाशय के बाद में इसमें पीछे की तरफ जो है ओविडक्ट, दो कॉमन जो अंडाशय से जो अंडवाहिनी निकलती है वो एक कॉमन ओविडक्ट में आकर खुलती है, या इसको हम वेजाइना भी कह सकते हैं। पीछे की तरफ ये ओविडक्ट में आकर खुलती है, और ओविडक्ट जो है कॉमन ओविडक्ट में, जिसको हम वेजाइना भी कहते हैं, उसमें जाकर ये खुलती है। नेक्स्ट उसके बाद में जेनाइटल चैम्बर होता है इसका, जहाँ पे ये अंडवाइनिया पीछे की तरफ जो वेजाइना का निर्माण करती है वहीं पे एट सेगमेंट के अंदर जो मादा जनन छिद्र होता है वो जर्मिनल चैम्बर के अंदर खुलता है। ये फीमेल गोनोपोर जो आप देख रहे हैं वो इसमें खुल रहा है। इसमें दोनों तरफ जो है इसके अंदर जो कोलेट्रल ग्लैंड्स पाई जाती है, एक राइट कोलेट्रल ग्लैंड्स है ये वाला, और दूसरा जो आप देख रहे हैं लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड्स जो है बड़ी होती है। लेफ्ट वाली जो होती है वो कोलेट्रल ग्लैंड बड़ी होती है, और जो राइट वाली जो होती है वो छोटी होती है। इसके अंदर पीछे की तरफ जो है ये दोनों एक जो जर्मिनल चैम्बर है उसमें जाकर दोनों ग्रंथियां अलग अलग जनन वेश में जाकर खुलती हैं, और दोनों ही जो है भिन्न प्रकार के पदार्थ का सिक्रेशन करती है ताकि जो अंडे हैं उनके ऊपर कवच का निर्माण हो सके। तो ये जो पॉलीफिनॉल्स और जो वाइट मैटर होता है ये दोनों मिलकर एक स्क्लेरोटिन प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं ताकि जो अंडे होते हैं उनके ऊपर आवरण और कवच का निर्माण जो है ये कर सकें। नेक्स्ट इसे स्पर्मेथिका और या इसको हम रिसेप्टिकुलस या सेमिनस कहेंगे, जो छोटी संरचना आप देख रहे हैं ये स्पर्मेथिका है, इसमें थैलेनुमा संरचना है, एक जोड़ी संरचना है इसके अंदर पाई जाती है, और ये क्लब शेप्ड होती हैं। इनमें जो स्पर्म जो होते हैं वो एक कॉमन स्पर्मेथिकल पेपिला का निर्माण करते हैं, और जो कोपुलेशन के दौरान जो स्पर्म डिस्चार्ज किए जाते हैं मेल के द्वारा उनका यहाँ पर इस पे जो है संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट जो संरचना इसके अंदर पाई जाती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोपोफाइसिस जो होते हैं, एक जोड़ी प्रवर्त इसके अंदर होते हैं जिनको हम गोनोपोफाइसिस कह सकते हो या ओविपोजिटर कह सकते हैं हम इसको। ये निषेचित अंडों का जो कवच होता है उनके ऊपर कवच जमाने का कार्य जो है इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। अब हम एक एक के बारे में जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरी है, इसका प्रमुख पार्ट जो ओवरी होता है वो किस प्रकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो जो फीमेल के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चार से छठे या सातवें सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं और प्रत्येक जो अंडाशय होता है उसमें आठ लंबी नलिकाएं, छोटी या ओवरियल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे का जो भाग होता है वो एक सस्पेंशन के द्वारा लटका हुआ रहता है ताकि देह भित्ति से जुड़कर ये सीलोम में इसको लटकाए रखें। इसकी संरचना होती है वो बहुकेंद्र की संरचना होती है, दो पार्ट में ये विभक्त है। पहला पार्ट जो होता है जर्मेरियम भाग होता है, जहाँ पर जो अंडे होते हैं एक पंक्तिबद्ध संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जो पीछे का पार्ट होता है जिसको हम विटेलेरियम कहते हैं, ये भाग फूला हुआ रहता है। इसमें जो परिपक्व अंडे होते हैं वो इस रीजन के अंदर पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसमें जो अंडवाहिनी होती है, ये ओवरी से जो निकलकर दो वाहिकाएं आपको जो नज़र आ रही है, दोनों तरफ की जो वाहिकाएं हैं वो अंडवाहिनी कहलाती है। पीछे की तरफ बढ़कर जो है जो वेजाइना वाला पार्ट है उसमें जाकर खुलती है। अंडवाहिनी जो होती है वो मोटी होती है और मस्कुलर होती है, इसकी दीवारें जो होती है संकुचनशील होती है। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है वो वेजाइना का आता है। वेजाइना जो अंडवाहिनी कॉमन ओविडक्ट जो होती है वो एक वेजाइना में जाकर खुलती है, जो कि सेवंथ सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर इसमें ये जो सेवंथ सेगमेंट के अंदर जाकर खुलती है, तो एट्थ सेगमेंट के अंदर जो मेल जेनाइटल पोर होता है या जो जनन वेश में आप जहाँ देख रहे हैं जेनाइटल चैम्बर, इसके अंदर जाकर ये खुलती है। नेक्स्ट संरचना इसके अंदर जेनाइटल एट्रियम होती है। ये जेनाइटल एट्रियम जो होता है सेवंथ सेगमेंट के अंदर जो स्टर्नम वाला पार्ट है उससे बनता है। इसकी संरचना नौकाकार प्रकार की होती है, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये नौकाकार प्रकार का है। और इसमें पीछे की तरफ जो है दो अंडाकार प्लेटें होती है, जिनको हम गायनोवल्वुलर प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें आपस में धंसकर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम उथिकल चैम्बर कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें संरचना पाई जाती है वो कोलेट्रल ग्लैंड है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड और राइट कोलेट्रल ग्लैंड, ये दोनों प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। इनको हम संग्राहक ग्रंथियां भी कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां असमान प्रकार की होती है, जिसमें जो लेफ्ट वाली कोलेट्रल ग्लैंड होती है वो बड़ी होती है और राइट वाली जो होती है वो छोटी ग्लैंड होती है। लेफ्ट ग्रंथि जो होती है वो ओपेक प्रकार की होती है, यानी कि अपारदर्शी होती है, और जो राइट कोलेट्रल ग्लैंड होती है वो पारदर्शी प्रकार की होती है। और ये दोनों ही प्रकार की कोलेट्रल ग्लैंड जेनाइटल चैम्बर में आकर खुलती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों नलियाँ आकर इस जेनाइटल चैम्बर में जाकर खुलती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा एक पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि पॉलीफिनोल्स होता है और एक सामान्य जो है द्रव पदार्थ होता है। ये दोनों पदार्थ मिलकर और एक स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, ताकि वो अंडों के ऊपर एक आवरण बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो संरचना इसके अंदर आती है उसको कहते हैं हम रिसेप्टिकुलस सेमिनस या स्पर्मेटिका। ये भी एक जोड़ी थैलेनुमा संरचनाएं होती है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर। ये थैलेनुमा संरचनाएं दोनों असमान प्रकार की होती है और क्लब शेप्ड होती है। इसमें प्रमुख जो कार्य होता है कि जो दोनों संरचनाएं मिलकर एक स्पर्मेटिकल पैपिला का निर्माण करते हैं, वहाँ पर ये खुलते हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है कि कोपुलेशन के द्वारा जो मेल से जो शुक्राणु प्राप्त होते हैं उनका संग्रह करने का ये कार्य करते हैं, ताकि बाद में इनको अंडों को जो है निषेचित किया जा सके। नेक्स्ट जो इसकी संरचना होती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनोपोफाइसिस। जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये गोनोपोफाइसिस जो होता है वो काइटिन के जो तीन जोड़ी प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको हम ओविपोजिटर कहते हैं। और ये ओविपोजिटर जो होते हैं उनका कार्य प्रमुख रूप से होता है कि जो अंड कवच होता है उसमें अंडों को एक सीक्वेंस के अंदर जमाने का होता है।
तो ये प्रमुख रूप से जो हमने देखा कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट होते हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसमें जो ओवरियोल है उसके अंदर जो मैंने आपको पार्ट बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट है ओवरियोल्स का, इसमें जो सस्पेंशन फिलामेंट है उसके द्वारा ये देहभित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। दो पार्ट के अंदर आपको जो ओवरी है उसको मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला पार्ट जो जोन ऑफ जर्मेरियम होता है वहाँ से जो उगोनिया बनते हैं, ओजेनेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा अंडों का निर्माण होता है। और पीछे का जो पार्ट है विटेलेरियम पार्ट, वहाँ पर जो अंडे होते हैं वो परिपक्व अंडे इसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर जो है जमा दिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अंडे होते हैं उसमें अंडों की संख्या फिक्स रहती है, लगभग 16 निश्चित अंडे इसमें अंडे 16 अंडों का जो है निर्माण होता है। और वहाँ पर जो इसका चैम्बर है पीछे की तरफ उसमें इसको संग्रहित कर लिया जाता है। ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो कोलेक्ट्रल ग्रंथियाँ वो उनका कार्य और जो स्पर्मेथिका है उसका क्या कार्य। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो आपको मैंने बताया कि जो बाह्य जननांग होते हैं जिनको हम ओविपोजिटर कहते हैं, वो उसके साथ ये आपका डायग्राम है कि जो है कि 8th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी दोनों ओविडक्ट के द्वारा पीछे की तरफ जो जेनाइटल चैम्बर है वहाँ पर खुलती है। एक ये जेनाइटल पाउच है, यहाँ पे जो स्टर्ना वाला जो पार्ट है ये फीमेल जेनाइटल पोर है, जो कॉमन ओविडक्ट है वेजाइना के अंदर जाकर खुलती है, और ये स्पर्मेथिका है जहाँ पर जो शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच, हम निषेचन की और जो है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो कॉकरोच है वो एक फिरोमोन का सिक्रेशन करता है जिसको हम एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं नर, तो ये जो फीमेल होती है उसके द्वारा ये हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं ताकि नर को जो है अट्रैक्ट किया जा सके। और नर जो होता है वो अपने पंख फैलाकर जो है इस कर्टशिप को जो है स्वीकार करता है, और जो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिनमें टिटिलेटर जो होता है वो टिटिलेटर जो है गाइनोवल्वुलर प्लेट को खोलकर और जो जेनाइटल चैम्बर है उसमें अपने सूडोपेनिस को प्रवेश कराता है। और ये क्रिया जो होती है कॉपुलेशन की क्रिया लगभग 1 घंटे का समय इसमें लगता है। उसके बाद में जो स्पर्मेटोफोर का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोफोर के बाद में जो स्पर्मेथिका जो होती है उसके अंदर जो 16 एग्स है उनको जो है संग्रहित कर लिया जाता है। बाद में इसमें जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया जो जेनाइटल चैम्बर है उसके अंदर होती है, जो उतिका निषेचन से पहले जो है उतिका का निर्माण हो जाता है, और उस पर जो अंड कवच है उसका सिक्रेशन हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें जो कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा घुलनशील प्रोटीन और जो डायहाइड्रोक्सी फिनोल जो होता है उसका सिक्रेशन किया जाता है। ये एक स्क्लेरोप्रोटीन होता है जिसका जो है आवरण उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो जो अंडाशय होता है उसमें अंदर अंडों जो 16 अंडे होते हैं उनमें उनको जो अंड निक्षेपण की क्रिया होती है उसके द्वारा उनको एकत्रित किया जाता है, और उन अंडों पर जो स्पर्मेथिका के द्वारा जो शुक्राणु को संचित किया गया था उनको उस पर डाल दिया जाता है कॉपुलेशन की क्रिया के बाद में। वहाँ पे फिर इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसमें जो निषेचित अंडे हैं उनको इस प्रकार से संजोया जाता है जैसे कि सिगरेट का जो केस होता है उसमें पंक्तियों में जो है सिगरेट को जैसे अरेंज किया जाता है, उसी प्रकार से इन अंडों को जो है एक सिक्वेंस के अंदर संचित कर लिया जाता है। उसके बाद में जो है इसमें अंडे में विदलन की क्रिया होती है। अंडे चूंकि सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं, केंद्र पित्त के अंदर होते हैं, जिसमें जो पीतक की मात्रा होती है वो सेंटर में केंद्रित होती है।
इसमें विलयन की क्रिया में पहले ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के अंदर फिर गैस्टुलेशन की जो क्रिया होती है उसमें फिर गैस्टुला अवस्था में जाता है, और गैस्टुला अवस्था में जाने के बाद में इसने तीन जो जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है। और उसके बाद में फिर जो है जो एम्ब्रियो होता है वो निम्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से लेकर 13 वीक का समय इसके अंदर लगता है, और जो परिवर्तन जब पूरा हो जाता है तो जो अंड कवच है उसके बीच में एक दरार होती है, वो फट जाती है, उससे फिर निम्फ बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद में चूंकि निम्फ जो होते हैं हल्के रंग के होते हैं, पंखविहीन होते हैं, और इससे फिर जो है निर्मोचन की क्रिया के द्वारा इनमें जो मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है, क्योंकि जो मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है उसको हम एग्डाइसिस कहते हैं, और ये एग्डाइसिस जो मोल्टिंग हार्मोन होता है यानी कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स के द्वारा एक मोल्टिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, और इस मोल्टिंग हार्मोन के सिक्रेशन से जो निम्फ जो बाहर निकलते हैं उनको हम फर्स्ट इंस्टार कहते हैं, और इंस्टार के जो निर्मोचन के बीच की जो अवधि होती है उसको स्टेडियम कहते हैं। तो ये आपको देखना है कि इंस्टार जो होता है ठीक अंड कवच से निकलने के बाद की अवस्था है, और जब मोल्टिंग की जो क्रिया होती है तो दो मोल्ट के बीच में जो अवधि होती है उसको हम स्टेडियम कहते हैं। तो इस प्रकार जब हर मोल्टिंग की क्रिया के बाद में एक इंस्टार बनता है, और इस पूरी प्रक्रिया में एक लगभग एक साल का समय लगता है, और जब अंतिम निर्मोचन अवस्था आती है इसकी तो उसमें एक पंखयुक्त प्राणी निकलता है जिसको हम इम्योगो कहते हैं, और इम्योगो से फिर एडल्ट में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से कायांतरण के द्वारा जो कॉकरोच है उसमें ये पूरी जनन प्रक्रिया जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में फिर इनमें जो है अंडों में विलयन की क्रिया के द्वारा और एक नए कॉकरोच का निर्माण होता है। थैंक यू।